Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. तो इस वीडियो में हमारे पास कुछ क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कुछ जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए जो कि रिलेटेड है एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अरेबल क्रॉप्स कौन सी होती हैं? क्रॉप्स विच रिक्वायर प्रीपेरेटरी टिलेज, एग्जाम्पल पोटैटो, टोबैको, राइस, शुगर केन एंड मेज, ऐसी क्रॉप्स जिन्हें ग्रो करने के लिए प्रॉपर जो टिलेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अरेबल क्रॉप्स होती है। टिलेज होता है कि जब हमने हमारी पुरानी क्रॉप को हार्वेस्ट किया, ठीक है, कोई भी हमने पुरानी क्रॉप लगाई थी उसे हार्वेस्ट किया, उसके बाद जो हमारी सॉइल होगी वो काफी ज्यादा हार्ड होगी, ठीक है, सॉइल हार्ड होगी, उसमें काफी सारे क्लम्प्स होंगे, क्लॉट्स होंगे, तो उन्हें जो है स्मूथ करने के लिए, हमारे सॉइल्स को स्मूथ करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए हम करते हैं टिलेज, ठीक है। टिलेज में प्लोइंग की जाती है, हैरोइंग की जाती है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं टिलेज में की जाती है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनमें प्रॉपर टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो अरेबल क्रॉप्स हैं, एग्जाम्पल पोटैटो, टोबैको, राइस, शुगर केन एंड मेज, ठीक है। एले क्रॉप्स, एले क्रॉप्स कौन सी होती हैं? क्रॉप्स सच एज स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मेरिक एंड जिंजर आर ग्रोन इन द पासेजेस फॉर्म्ड बाय द रोज ऑफ यूकलिप्टस, सुबाबुल एंड कैसिना, मेनली टू हेस्टन सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, इनहांस सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। देखो, जब हमने जो हमारे ट्रीज हैं जैसे कि यूकलिप्टस हो गया, सुबाबुल हो गया, कैसिया हो गया, ठीक है, जब हमने ट्रीज लगा रखे हैं रोज में, तो उनका जो बीच में उनका पासेज बचता है उसमें जब हम क्रॉप्स लगा देते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मेरिक, जिंजर, उस पासेज में लगा देते हैं ताकि हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिस्टोर रहे, उसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारी सॉइल की, और सॉइल इरोजन जो है कम हो जाए, तो उन क्रॉप्स को एले क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है, जो पासेज में लगाई जाती है। ऑगमेंटिंग क्रॉप क्या होती है? ऑगमेंटेशन का मतलब होता है सप्लीमेंट करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है, किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करना, सप्लीमेंट करना, वो होता है ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटिंग क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो क्रॉप्स जो कि सप्लीमेंट करती हैं यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कि जो हमारी मेन क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़ाने में जो हेल्प करेंगी क्रॉप्स, वो ऑगमेंटिंग क्रॉप्स होंगी, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड हम सो कर देते हैं बरसीम या फिर ल्यूस्ट्रीन के साथ कि ताकि हमें हायर यील्ड मिले फर्स्ट कटिंग में, ठीक है, बरसीम और ल्यूस्ट्रीन के साथ जब हम मस्टर्ड सो कर देते हैं तो मस्टर्ड हमारी एक ऑगमेंटिंग क्रॉप बन जाती है जिससे कि हमें बरसीम और ल्यूस्ट्रीन की हाई यील्ड मिलती है। एवेन्यू क्रॉप्स कौन सी होती है? जो कि फार्म रोड और फेंसेस के जो अलोंग लगाई जाती है, ठीक है, जो रोड्स होती हैं और फेंसेस के जो सराउंडिंग में लगाई जाती है वो एवेन्यू क्रॉप्स होती है, जैसे कि अरहर, सीसल, ग्लाइरिसिडिया, ठीक है। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? जो क्रॉप जो है बेची जाती है टू अर्न, ठीक है, तो उन्हें जो है कैश क्रॉप्स बोला जाता है, जैसे कि जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखो, कैच क्रॉप्स कौन सी होती है? कैच क्रॉप्स आर ग्रोन एज सब्स्टिट्यूट फॉर द मेन क्रॉप दैट हैज फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। देखो, मान लो हमने एक मेन क्रॉप लगाई थी बट अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, ठीक है, हमारी जो एनवायरमेंट की कंडीशंस हैं वो सुइटेबल नहीं रही, अनफेवरेबल हो गई है, तो हमारी जो क्रॉप है वो फेल हो गई, तो उसकी जगह पे कोई हमें सब्स्टिट्यूट लगाना था, ठीक है, तो एज अ सब्स्टिट्यूट जो हम क्रॉप्स यूज करते हैं उन्हें कैच क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स होती है शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, क्विक ग्रोइंग, अर्ली हार्वेस्टेबल और यूजेबल एट एनी टाइम, जैसे कि मूंग, उर्द, काउपी एंड अनियन। देखो, जैसे कि हमारी क्रॉप है जो अभी वो जो है खराब हो गई है पूरी की पूरी, अभी हम ऐसी क्रॉप तो नहीं लगाएंगे जो लंबे समय में जो है ग्रो हो, लंबे समय में हार्वेस्ट करें हम उसको, ऐसी क्रॉप लगाएंगे हम जो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए और जल्दी जल्दी हम उसको हार्वेस्ट करके उससे कुछ जो है अपना जो हमारा लॉस हुआ है उसे थोड़ा सा कंप्लीट कर सके, ठीक है, तो उन क्रॉप्स को बोला जाता है कैच क्रॉप्स। कोल्ड क्रॉप्स होती हैं, कोल्ड क्रॉप्स आर एसेंशियली कोल्ड वेदर क्रॉप्स, ठीक है, ये कोल्ड वेदर क्रॉप्स होती हैं जो कि ठंडी में लगाई जाती हैं, जैसे कि कुकरबिटेसी फैमिली, कुकरफिरियो फैमिली की, ठीक है, जो कि विदस्टैंड करती है फ्रॉस्ट को, ठीक है, कोरे को, जो फ्रॉस्ट को विदस्टैंड कर लेती है वो कोल्ड क्रॉप्स होती है, जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया एंड स्प्राउट हो गया। कवर क्रॉप जिन्हें मल्च क्रॉप बोला जाता है, तो मल्चिंग होता है सॉइल को कवर करना टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर इन द सॉइल, ठीक है,
ऐसी क्रॉप्स जो कि ग्रोन की जाती हैं मेनली टू कवर द सॉइल, सॉइल को कवर करने के लिए, टू रिड्यूस द सॉइल मॉइस्चर एंड इरोजन बाय विंड एंड वाटर, ताकि हम जो इरोजन होता है विंड एंड वाटर की वजह से उसे जो है कम कर सके, जैसे कि लोबिया, ग्राउंडनट, ओट, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कौन सी होती हैं? इन दिस क्रॉपिंग ईच अदर क्रॉप इज बेनिफिटेड बाय इंटरक्रॉपिंग। जब इंटरक्रॉपिंग के साथ एक क्रॉप जो अदर क्रॉप को बेनिफिट करती है, ठीक है, एक दूसरे को, जैसे कि ऑगमेंटिंग क्रॉप्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं जो क्रॉप्स, वो होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, जैसे कि ज्वार और लोबिया। जब इनकी इंटरक्रॉपिंग की जाएगी तो इनकी जो यील्ड आएगी वो काफी अच्छी आएगी। ज्वार रिसीव्स नाइट्रोजन फ्रॉम लोबिया एंड लोबिया रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम ज्वार, ठीक है, ज्वार जो है लोबिया से सपोर्ट लेगा और लोबिया जो है ज्वार से सपोर्ट लेगा। ले क्रॉप्स कौन सी हैं? सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के लिए जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो ले क्रॉप्स होती है, जैसे कि बरसीम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्रॉप है नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप कौन सी होती है? दीज क्रॉप्स आर नॉरिश्ड अदर क्रॉप बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल राई, मस्टर्ड इन पीस एंड ज्वार इन काउपी। देखो ऐसी क्रॉप्स जो किसी दूसरी क्रॉप को नरिश करती हैं और उन्हें जो है शेड प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एक क्रॉप छोटी है, एक क्रॉप बड़ी है, ठीक है, ये इसको जो है शेड प्रोवाइड करेगी या फिर उसको एज अ क्लाइंबिंग स्टिक जो है, ठीक है, हेल्प करेगी, ठीक है, एज अ स्टिक जो कुछ हमारी जो प्लांट्स होती हैं, ठीक है, वेन्स की तरह होती हैं, ठीक है, तो वो ऐसे उस पर क्लाइंब करेंगे, ठीक है, तो एज अ क्लाइंबिंग स्टिक जो है वो एक्ट करती हैं, जैसे कि राई मस्टर्ड हो गया, ठीक है, पीस में ये हेल्प करेगा, ज्वार जो है काउपी में हेल्प करेगा। पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्या होती है? ईच थर्ड रो इज रिमूव्ड और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर्ड रो इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हर दो रो लगाने के बाद तीसरी रो जो है उसे रिमूव कर दें, या फिर हम क्या करेंगे, दो दो पेयर में जो है हमारी क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो उसे पेयर ग्रो क्रॉपिंग कहा जाता है। ड्राई लैंड के लिए सूटेबल रहती है ये, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मॉइस्चर को कंजर्व करने का है। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कौन सी होती हैं? सच क्रॉप्स प्रोवाइड अ गुड हार्वेस्ट अलॉन्ग विद एनरिचमेंट और रिस्टोरेशन और एमिलियोरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, ऐसी क्रॉप्स जो क्या करती हैं, एक अच्छी हमें यील्ड देती हैं और हमारी जो सॉइल है उसको भी न्यूट्रिएंट से इनरिचमेंट करती हैं, रिस्टोर करती हैं, जैसे कि लेग्यूम्स हो गया। स्किप क्रॉपिंग, अ लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग इज कॉल्ड स्किप क्रॉपिंग। एक लाइन लगाएंगे, एक जो लाइन है उसे अनसोन रख देंगे, ठीक है, एक को लेफ्ट कर देंगे तो वह स्किप करते जाएंगे, ठीक है, एक एक लाइन स्किप करते जाएंगे तो स्किप क्रॉपिंग। देखो इनके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, आप इनके नाम से ही पता लग जाएगा आपको, तो जनरली ऐसे जो क्वेश्चन है आपसे डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट जो है कुछ चीज पढ़ना चाहोगे तो आप अगर पढ़ोगे कि स्किप क्रॉपिंग क्या है, रिस्टोर, आपको वर्ड लिखा मिल गया, रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या है, ठीक है, तो आपको उस टाइम ये हेल्प करेगा, ठीक है, जब आप जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ोगे तो तब आपको ऐसी जो टर्म्स हैं हेल्प करेंगी, ठीक है। समुद्र क्रॉप्स कौन सी हैं? दीज क्रॉप्स प्रोवाइड लार्ज कैनोपी एंड क्विक ग्रोइंग एबिलिटी, ठीक है, ऐसी क्रॉप्स जो कि लार्ज कैनोपी प्रोवाइड करती है और उनकी ग्रोइंग एबिलिटी काफी अच्छी अच्छी होती है, जैसे कि काउपी हो गया, मस्टर्ड हो गया, सॉर्गम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रैप क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ट्रैप क्रॉप या फिर डिकोय क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ग्रोन ऑन बाउंड्री ऑफ द फील्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स सच एज पैरासिट वीड्स, एग्जाम्पल ओरोबेंच इज ट्रैप्ड बाय सॉलनेसी प्लांट्स, ठीक है। देखो ऐसे जो प्लांट्स जो कि हम फील्ड के बाउंड्री पे ग्रो करते हैं ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर वहां पे आ जाए और जो हमारा वीड्स हैं, ठीक है, वो उनको क्या कर ले, ट्रैप कर ले, ठीक है, तो वो होती है ट्रैप क्रॉप्स। सिलेज क्रॉप्स कौन सी होती है? सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रिजर्व इन पिट्स इन अ सकुलेंट कंडीशन बाय अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन और एसिडिफिकेशन फॉर फीडिंग लाइव स्टॉक ड्यूरिंग लीन मंथ्स और ऑफ सीजन। ऐसी क्रॉप्स जो कि पिट्स में प्रिजर्व की जाती हैं सकुलेंट कंडीशन में ताकि उनमें नेचुरल फर्मेंटेशन और एसिडिफिकेशन होती रहे, जबकि ऑफ सीजन हो जाता है तब जब जो हमारे लाइव स्टॉक हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, कभी कभार ऐसा ऑफ सीजन हो जाता है, मतलब कि एक ऑफ सीजन आता है जब अगर हमारी जो क्रॉप है अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन से खराब हो जाए या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या होता है कि उनके लिए सिलेज क्रॉप्स जो है वो लगाई जाती हैं, जैसे कि बरसीम, काउपी, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? इट इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग, सस्टेनिंग एंड सेटिस्फाइंग
एज मैनी नीड्स ऑफ द फार्मर एज पॉसिबल। मिक्स फार्मिंग होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर फार्म पे क्रॉप प्रोडक्शन भी की जाएगी, क्रॉप्स को भी उगाया जाएगा, फिशरी भी की जाएगी, पोल्ट्री भी रखी जाएगी, लाइफ स्टॉक भी रखा जाएगा, ठीक है, बी कीपिंग भी की जाएगी, मतलब इतने सारे जो है यहाँ पे जो है पिग भी रख सकते हैं, ठीक है, तो गॉड्स भी रख सकते हैं, ठीक है, फिशरी भी कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे एंटरप्राइजेस लगाना कि जो फार्मर की इनकम है वो ज्यादा हो, उन्हीं रिसोर्सेज से फार्मर की इनकम जो है वो ज्यादा हो सके। जैसे कि आप देख लो एक क्रॉप लगाई है हमने, ठीक है, उससे हमें कितनी इनकम होगी, ठीक है, जो भी इनकम होगी, अगर हम प्लस जो है लाइफ स्टॉक रख लें, ठीक है, प्लस लाइफ स्टॉक रख लें, उसमें उसका जो फॉर्डर है वो हम हमारे फील्ड से हमें मिलता रहेगा, ठीक है, तो क्रॉप प्लस लाइफ स्टॉक से जो है ज्यादा इनकम होगी फार्मर को, ठीक है, तो वो होता है मिक्स्ड फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन होता है, रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन द सेम लैंड इन अ रिकरिंग सेक्शन सक्सेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक सीजन में हमने क्रॉप लगाई, फिर जो है डिफरेंट क्रॉप लगाई, फिर डिफरेंट लगाई, तो ऐसे क्रॉप रोटेशन होता है कि सेम क्रॉप लगाने के बजाय हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाए। मोनोक्रॉपिंग जिसमें सिर्फ एक क्रॉप लगाते हैं हम, एक ही क्रॉप लगाते जाते हैं ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, तो वो होती है मोनोक्रॉपिंग। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग होता है गोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन कैलेंडर ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉप्स। एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक साल में जो है दो से ज्यादा क्रॉप्स जो उगाना, ठीक है, एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक साल में दो से ज्यादा क्रॉप को उगाना उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या क्या आता है, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली लगाई जाती है सेम पीस ऑफ लैंड में विद इन डिफाइंड रो पैटर्न, ठीक है, रोज बनाकर जो है इंटरक्रॉपिंग की जाती है, ठीक है, रोज में दो से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली लगाई जाती है एक ही पीस ऑफ लैंड पे। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है दो से ज्यादा क्रॉप लगाई जाती है इंटरमिंगल विदाउट एनी रो पैटर्न, इसमें कोई रो पैटर्न नहीं बनाया जाता, एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करके जो है क्रॉप जो है दो से ज्यादा ग्रो की जाती है। सीक्वेंस क्रॉपिंग एज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन फार्मिंग ईयर, ठीक है, एक फार्मिंग ईयर में एक जो हमारी पीस ऑफ लैंड है उस पे जो है दो से ज्यादा क्रॉप्स लगाना एक सीक्वेंस में, तो वो होगा हमारा सीक्वेंस क्रॉपिंग, ठीक है, पहले एक क्रॉप लगा दी, फिर दूसरी लगा दी, फिर तीसरी लगा दी, एक सीक्वेंस में जो है हम क्रॉप्स लगाते चलेंगे तो उसे सीक्वेंस क्रॉपिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिले क्रॉपिंग। रिले क्या होता है, रिले रेस आपने सुना होगा, पहले एक जो है दौड़ता है फिर दूसरा दौड़ता है, ठीक है, एक जो उसके पास होता है रिबन सा होता है, ठीक है, फिर दूसरा दौड़ता है, फिर तीसरा दौड़ता है, फिर चौथा दौड़ता है, ठीक है, ऐसे रिले होती है। तो रिले में क्या होता है, रेफर्स टू ग्रोइंग अ सेकंड क्रॉप बिटवीन द रोज ऑफ द मेन क्रॉप विच इज रेडी टू हार्वेस्ट शॉर्टली। इसमें क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप है जब वो बड़ी होगी, जब वो हार्वेस्ट करने लगते हैं हम उसे, ठीक है, मतलब उसको हार्वेस्ट करना है और जो नई क्रॉप है हम रोज के बिटवीन लगा देते हैं कि जब इसे हार्वेस्ट करेंगे तब ये जो है हमारी ग्रो हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक से बाद एक, एक से बाद एक, ठीक है, तो उसे रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। The practice of taking the second crop from previous one is known as retuning, ठीक है? देखो इसमें क्या होता है कि जो पहले हमने एक बार जो है कट कर ली हमारी क्रॉप को, ठीक है, तो उसी से हम दूसरी क्रॉप लेंगे, ठीक है, वो फिर से ग्रो हो जाएगी, उसी से सेकंड क्रॉप लेंगे, उसे बोला जाता है रिटूनिंग, ठीक है। तो अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी हमारी इतनी ही थी, अभी कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1/10 मिलियन होता है एक मीटर का, 1/10 मिलियन जो है एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब कि एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर और 10^-7 mm और 10^-8 cm, ठीक है। ए वैल्यू क्या होती है, ए वैल्यू जो प्रपोज की थी फ्रेंड एंड डीन ने करी थी 1952 में, और ये डिफाइंड की जाती है, डिफाइंड एज एन अवेलेबल सॉइल न्यूट्रिएंट डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर यूज्ड, ठीक है, यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर इन द सॉइल, ठीक है। तो जो ए वैल्यू है ये न्यूट्रिएंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, तो इसे एक्सप्रेस किया जाता है B1-Y, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। ऐसे कौन से फर्टिलाइजर हैं जो हम अप्लाई करते हैं और वो एसिड फॉर्म करते हैं, वो है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड हाइड्रस अमोनिया एंड यूरिया, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये हमारे फील्ड में एसिड फॉर्म करती है, ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल क्या होती है, एसिड सल्फेट सॉइल
वेरी एसिडिक सॉइल, जो सॉइल बहुत ही एसिडिक होती है, जिसकी पीएच वैल्यू जो है 4 से कम होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक, ठीक है. इन विच सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर बेयरिंग फेरस पाइराइट मिनरल्स, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है जब ऑक्सीडेशन हो जाती है सल्फर बेयरिंग फेरस पाइराइट मिनरल्स की, ठीक है. फाउंड प्राइमरली इन कोस्टी डेल्टिक एस्टुराइन एरिया ऑफ द ह्यूमन ट्रॉपिक्स, आल्सो रेफर्ड एज कैट क्लेज, इन्हें कैट क्लेज भी बोला जाता है. और ये कोस्टी डेल्टिक जो एस्टुरीज होती हैं उन एरियाज में जो है एसिड सल्फेट सॉइल्स पाई जाती हैं. एडिशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है. तो जो डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है बाइंड करना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल, जो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जब उनको एक बाइंड किया जाता है उस फोर्स का नाम क्या है, वो है एडिशन, ठीक है, वो होती है एडिशन. नेक्स्ट देखो एजोला क्या है. एजोला है एक एक्वेटिक फर्न है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में लिया जाता है इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनाबेना एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी विच लाइज इन इट्स कैविटीज, ठीक है. नेक्स्ट है एरोपोनिक्स. एरोपोनिक्स एक सिस्टम है प्लांट ग्रो करने का विद देयर रूट्स सप्लाइड विद मॉइस्चर इन द एयर, एग्जांपल सिट्रस ऑलिव, ठीक है. तो एरोपोनिक्स जो है एक सिस्टम है प्लांट को ग्रो करने का, जिसमें जो रूट्स हैं उन्हें मॉइस्चर सप्लाई किया जाता है एयर में, ठीक है. एनहाइड्रस अमोनिया क्या है, ड्राई एंड हाईली एसिडिक है, ठीक है. एनहाइड्रस अमोनिया जो है ड्राई होता है, ठीक है, और एसिडिक होता है बहुत ज्यादा, और जो है 148 इक्विवेलेंट की एसिडिटी होती है, 82% नाइट्रोजन होती है, हाईएस्ट नाइट्रोजन अमंग ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है. सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन है वो एनहाइड्रस अमोनिया में है. एल्युमिनिया सिलिकेट क्या होता है, दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड प्रिंसिपल सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स, ठीक है. जो मोस्ट कॉमन और प्रिंसिपल सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स हैं उसमें से एक है एल्युमिना सिलिकेट, ठीक है, जैसे फेल्डस्पार हो गया, माइका हो गया एंड क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट है आर्गिलेशन. आर्गिलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच डिस्पर्स्ड क्ले पार्टिकल्स आर माइग्रेटेड फ्रॉम अपर टू द लोअर सॉइल होराइजंस रिजल्टिंग अ टेक्सचरल होराइजन, ठीक है. देखो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपर टू लोअर सॉइल होराइजन में, ठीक है, जिसमें कि एक टेक्सचरल होराइजन बनता है. एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है, यूनिट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट इनपुट एडेड, ठीक है. देखो हमें कितनी यील्ड मिलती है जब हम एक यूनिट इनपुट ऐड करते हैं, ठीक है, एक यूनिट इनपुट न्यूट्रिएंट का जब हम ऐड करते हैं तो हमें कितनी यील्ड मिलती है, वो होती है एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है. तो आर्किलेशन क्या है, प्रोसेस है क्ले पार्टिकल्स जब नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ऊपर के हॉरिजोन से नीचे के हॉरिजोन पे आते हैं वो है आर्किलेशन. एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी है कि हमें कितनी क्रॉप जो है मिल रही है एक यूनिट न्यूट्रिएंट ऐड करने पे. एंटीडोट क्या है, केमिकल है जो कि अप्लाई किया जाता है टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पेस्टिसाइड ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है. तो अगर एक पेस्टिसाइड का इफेक्ट हो जाए ह्यूमन बीइंग पे तो जो केमिकल प्रोवाइड किया जाता है टू प्रिवेंट इट वो है एंटीडोट. ब्लाइंड कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन बिफोर द क्रॉप इज अमर्ज्ड स्पेशली प्रैक्टिस्ड इन पोटैटो एंड शुगर केन इज डन फॉर वीट कंट्रोल. जो मेनली ये जो ब्लाइंड कल्टीवेशन है वीट कंट्रोल के लिए की जाती है, ठीक है. इसमें क्या है कि जब हमारी क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं होती उससे पहले जो है ब्लाइंड कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है, वीट कंट्रोल के लिए. बायोस्टैटिक इफेक्ट क्या है, रिड्यूस्ड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ अ पेस्टिसाइड इन प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल कॉल्ड एक्सटेंडर, ठीक है. माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो होती है पेस्टिसाइड की वजह से, ठीक है, पेस्टिसाइड की वजह से जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होती है उसको रिड्यूस करना इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल, ठीक है, जो एक्सटेंडर होता है उसकी प्रेजेंस में माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो पेस्टिसाइड की वजह से होती है उसे कम करना, उस इफेक्ट को बोला जाता है बायोस्टैटिक इफेक्ट, ठीक है. बोरोन जो है बायोस्टैटिक है 2,4-D का, ओके. नेक्स्ट है बॉल यूनिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एसोसिएटेड विद 50% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड, ठीक है. जो 50% मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड हो सकती है उससे जो भी कितना अमाउंट न्यूट्रिएंट का एसोसिएटेड है उस यूनिट को बॉल यूनिट बोला जाता है, ठीक है, कि कितनी जो
50% मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है जितनी, उसमें कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ने हेल्प की, ठीक है, तो वो बाउल यूनिट है। ब्लॉच डिसीज है बार्ले की, जो कि हेलमिंथोस स्पोरियम स्पीशीज करती है, ठीक है। ब्लॉच बेस टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच देयर इज नो ग्रोथ, विच इज रेफर टू एज बेस टेम्परेचर, सबसे लो टेम्परेचर जिसपे कोई ग्रोथ नहीं होती। तो 4 डिग्री सेल्सियस वीट का बेस टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस जो है राइस और सॉर्गम का टेम्परेचर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कपिंग क्या होता है, अपवर्ड टर्निंग ऑफ लीफ एंड्स टू फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर सीन इन मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी, ठीक है। तो कपिंग क्या होता है कि जब लीव्स ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं तो वे कप की फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, एक कप की फॉर्म में आ जाते हैं, कप की शेप में आ जाते हैं, उन्हें कपिंग बोला जाता है। कोहेजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड के जो मॉलिक्यूल्स को जिस फोर्स ने अट्रैक्ट किया था वो क्या थी, एडिशन, ठीक है, उसे एडिशन बोला जाता है। कोहेजन होगा जिसमें सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स जो है उन्हें जो फोर्स जो है अट्रैक्ट करके रखती है वो कोहेशन होती है, जैसे कि वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास कार्डिनल टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। तो कार्डिनल टेम्परेचर्स क्या होते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर होते हैं कि जब मैक्सिमम मिनिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर को जो कंबाइन किया जाता है, ठीक है, किसी भी क्रॉप का जो मैक्सिमम मिनिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा तो उसे बोला जाता है कार्डिनल टेम्परेचर, ठीक है। कूल सीजन सीरियल्स के लिए कार्डिनल टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम होगा 0-15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम 25-30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 31-37 डिग्री सेल्सियस। वार्म सीजन सीरियल्स के लिए मिनिमम 15-18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम 31-37 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 45-50 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे ज्यादा हो जाए तो क्रॉप जो है ग्रो नहीं करेगी, इससे कम हो जाए क्रॉप ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एपिनेस्टी क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन और पार्ट लीव्स काउजिंग इट टू बेंड डाउनवर्ड्स। जब जो अपर सरफेस होता है प्लांट का, जब उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो डाउनवर्ड मूव करना, जो बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, उसे एपिनेस्टी बोला जाता है। इसे क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू न्यू हैबिटेट वेयर इट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। जब एक ऑर्गेनिज्म है उसको किसी नए हैबिटेट में लाया जाता है जहां पे वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके, उसे एसिस बोला जाता है। एफेमरल्स क्या होता है, एफेमरल्स होता है प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2-4 वीक्स ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है। जो प्लांट जो है सिर्फ 2-4 वीक में अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ड्यू टू जो मॉइस्चर स्ट्रेस से, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो मॉइस्चर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उन्हें ड्राउट एस्केपिंग प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं एफेमरल्स। फोरोसिलाइज क्या होता है, सरफेस सॉइल विद डेप्थ ऑफ 0-15 सेंटीमीटर ओवर 1 हेक्टेयर इज नोन एज फोरोसिलाइज, ठीक है। ऐसी सरफेस सॉइल जिसमें जो है डेप्थ होती है 0-15 सेंटीमीटर 1 हेक्टेयर एरिया के ऊपर, उसे फोरोसिलाइज बोला जाता है। वेट कितना होता है फोरोसिलाइज का, वो होता है 2.25 × 10⁶ किलोग्राम सॉइल पर हेक्टेयर और सेंटीमीटर, ठीक है। सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर 150 टन पर सेंटीमीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंसिटी फैक्टर, द अमाउंट ऑफ H2PO4- एंड HPO4- प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। इंटेंसिटी फैक्टर होता है कि कितना अमाउंट जो H2PO4- और HPO4- का प्रेजेंट है सॉइल सॉल्यूशन में, वो होता है इंटेंसिटी फैक्टर। मिथेमोग्लोबिनेमिया क्या होता है, अ कंडीशन एसोसिएटेड विद नाइट्रेट टॉक्सिसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग नाइट्रेट रिच वाटर। जब जो नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब नाइट्रेट की एक्सेस हो जाती है, उस कंडीशन को बोला जाता है मिथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। इन्फेंट्स जो है, ठीक है, जो इन्फेंट्स इससे सफर करते हैं उन्हें बोला जाता है ब्लू बेबीज, ठीक है। जो बच्चे होते हैं जब उनको जो है नाइट्रेट रिच वाटर अगर वो उन्हें दिया जाता है, अगर तो उनमें अगर नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उन्हें जो है ब्लू बेबीज बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो ग्रेश ब्लू हो जाती है एंड द प्रॉब्लम रेफर्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें नाइट्रेट टॉक्सिसिटी से रिलेटेड जो है
कंडीशन है ये, जिसमें कि अगर नाइट्रेट रिच वाटर जो है उसे ड्रिंक कर लिया जाए तो क्या होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि स्किन में जो स्किन है वो ब्लू हो जाती है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन है 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का 1 मिलियंथ है माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर एंड 10^-4 सेंटीमीटर। नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर है, इट इज अ 1/9 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, ऑफ अ मीटर 1/9 मिलियंथ मीटर, ठीक है, वो होता है नैनोमीटर। जैसे कि 10^-9 मीटर और 10^-6 mm और 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है पोरोमीटर। पोरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लीफ टेम्परेचर इन एडिशन टू ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स। ठीक है, ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है लीफ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और उसके अलावा ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो 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 इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है पोरोमीटर। ट्रांसपिरेशन होता है जब जो लीफ से जो पानी इवेपोरेट हो जाता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और लीफ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पोरोमीटर यूज किया जाता है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का बात है, व्हेन फ्रूट ग्रोथ इज कंप्लीट आर नो लॉन्गर ट्रांसलोकेटेड टू फ्रूट्स इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, जब जो फ्रूट है हमारा वो पूरा ग्रोथ ग्रो हो जाता है, ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो फ्रूट में नहीं आती, ठीक है, तो उसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहा जाता है। देखो जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो क्लोरोफिल जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो सारे का सारा जो फ्रूट हम खाते हैं ना उसमें आता है। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस से ही जो भरा होता है, ठीक है, जो हमारा फ्रूट होता है, ठीक है, तो जो हमारा फ्रूट है जिसे हम खाते हैं, ठीक है, जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाता है उसमें फोटोसिंथेसिस उसके बाद नहीं आ सकती, ठीक है, तो वो होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी होती है। एट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी द मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ ग्रेन इज अबाउट 20%। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जब मॉइस्चर का परसेंटेज जो है ग्रेन का 20% हो, ठीक है, तो वो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो बट जो टेम्परेचर परसेंटेज है ग्रेन्स की, जो मॉइस्चर की परसेंटेज है ग्रेन्स में, वो 20% हो। ठीक है, पॉपिंग क्या होती है? इन ग्राउंडनट पॉड विदाउट कर्नल और अनफिल्ड ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। जब जो ग्राउंडनट का पॉड है, ठीक है, उसमें जो कर्नल है, ठीक है, और वो अनफिल्ड रहे, ठीक है, उसमें कुछ फिलिंग ना हो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, वो पॉपिंग कहलाता है। लाइट यूज एफिशिएंसी क्या है? लाइट यूज एफिशिएंसी है द कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट लाइट इंटरसेप्शन इज नोन एज लाइट यूज एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसी कन्वर्जन एफिशिएंसी, ठीक है, या फिर जो ड्राई मैटर की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है पर यूनिट लाइट इंटरसेप्शन, एक यूनिट लाइट इंटरसेप्शन से जितनी क्वांटिटी ड्राई मैटर की प्रोड्यूस हुई है वो है लाइट यूज एफिशिएंसी। लाइट यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ कम्युलेटिव लाइट ऑब्जर्व। ठीक है, कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ और कितनी जो लाइट ऑब्जर्व हुई वो है लाइट यूज एफिशिएंसी। लाइट कंपनसेशन पॉइंट द मिनिमम लाइट इंटेंसिटी एट विच फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रेट्स आर इक्वल। ऐसी मिनिमम लाइट इंटेंसिटी जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेट्स इक्वल होंगे वो होगा लाइट कंपनसेशन पॉइंट। राइस क्रॉप का सबसे ज्यादा कंपनसेशन पॉइंट है 1400 feet candles at 27 degrees Celsius। ठीक है, 1400 candles at 27 degrees Celsius। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? द लाइट इंटेंसिटी एट विच देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जब लाइट जो है फर्दर इंक्रीज नहीं, लाइट जो है फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकती फोटोसिंथेसिस के रेट को, उसे लाइट सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है, कि मतलब अभी जो है मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट जो हाई होता है C4 प्लांट में एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। क्रॉप ज्योमेट्री क्या होता है? इट इज अ स्पेशियल अरेंजमेंट और प्लांट रेक्टेंगुलरिटी ऑफ क्रॉप्स। द वे इन विच क्रॉप प्लांट्स आर अरेंज्ड इन द फील्ड्स इज यूजुअली रेफर्ड टू एज क्रॉप ज्योमेट्री। किस जो वे में, ठीक है, किस जो प्लांट क्रॉप्स कैसे अरेंज की जा रही है हमारे फील्ड में, उसे क्रॉप ज्योमेट्री बोला जाता है। कोर वाटरिंग, फर्स्ट इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज कोर वाटरिंग एंड डेप्थ अप्लाइड इन द फर्स्ट वाटरिंग इज कॉल्ड
इज कोर डेप्थ। ठीक है, कोर वाटरिंग क्या है? फर्स्ट इरिगेशन जब करते हैं क्रॉप्स की तो उसे कोर वाटरिंग बोला जाता है, और जो डेप्थ होती है अप्लाइड फर्स्ट वाटरिंग की उसे कोर डेप्थ बोला जाता है। ठीक है, रो क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स विच आर सोइंग इन यूनिफॉर्म स्पेसिंग। ठीक है, जो यूनिफॉर्म स्पेस पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो रो क्रॉप्स हैं, जैसे कि कॉटन हो गया। सिलेक्टिविटी रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डोज टॉलरेटेड टू द क्रॉप टू द मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू किल वीड्स। तो ये बेसिकली एक रेशियो है जो कि मैक्सिमम डोज चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम डोज जो टॉलरेट कर सकती है क्रॉप, ठीक है, वीडिसाइड का जो मैक्सिमम डोज टॉलरेट कर सकती है एक क्रॉप, डिवाइडेड बाय जो मिनिमम डोज चाहिए क्रॉप वीड को किल करने के लिए, ठीक है, वीडिसाइड का। तो वीडिसाइड या फिर किसी भी केमिकल का मैक्सिमम डोज जो कि क्रॉप जो है टॉलरेट कर सकती है, डिवाइडेड बाय मिनिमम डोज जो हमें चाहिए वीड को किल करने का, वो सिलेक्टिविटी रेशियो कहलाती है। सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू। ये एक ऐसी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है लाइट की जो कि अगर हम दोबारा जो है लाइट दें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है अपनी एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो उससे ज्यादा जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स रीच राइट सैचुरेशन पॉइंट एट 1/5 ऑफ द फुल सनलाइट। ठीक है, तो 1/5 जो फुल सनलाइट होता है तब जो क्रॉप्स है लाइट सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो सैचुरेशन का मीनिंग जो है, ठीक है, जहां पे आपको सैचुरेशन मिल गया तो उसका मतलब है अपर लिमिट। ठीक है, जब किसी पॉइंट की अपर लिमिट होगी। सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो क्या है? सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो का, एक बार आप देख लो, वो होता है Na+ डिवाइडेड बाय अंडर रूट कैल्शियम 2+ प्लस मैग्नीशियम 2+ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, JRF के एग्जाम में पूछा जा चुका है और उसके बाद IBPS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो, जब वाटर जो है, जो वाटर की सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो वैल्यू है वो 10 से ज्यादा हो जाए तो वो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, सोइल्स जिनकी सोडियम अब्सॉर्प्शन रेशो 13 से ज्यादा होगी वो अल्कली और सोडिक सोइल मानी जाएंगी। थर्मोपीरियोडिज्म क्या होता है? थर्मोपीरियोडिज्म जो कंसेप्ट है वो गार्डनर ने दिया है। रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रेगुलर चेंजेस इन टेम्परेचर आइदर डे और नाइट और सीजनल इज कॉल्ड थर्मोपीरियोडिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स की वो कैसे जो है टेम्परेचर चेंज होता है जब, ठीक है, चाहे वो डे नाइट, ठीक है, डे नाइट का टेम्परेचर चेंज होता है, सीजन का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होता है चाहे वो सीजन में हो चाहे वो डे नाइट का टेम्परेचर हो, उसे कैसे वो जो है रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको थर्मोपीरियोडिज्म बोला जाता है। ट्रांसपायरेशन रेशो क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय अ क्रॉप टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ड्राई मैटर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, ट्रांसपायरेशन रेशो होता है जब कितना अमाउंट जो वाटर का ट्रांसपायर हो गया, ठीक है, बायो क्रॉप टू प्रोड्यूस 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना जो वाटर है वो ट्रांसपायर हो गया, उसे ट्रांसपायरेशन रेशो बोला जाता है। ट्रांसपायरेशन कॉफिशियंट क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय अ क्रॉप टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, 1 kg ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना जो वाटर है वो हमें चाहिए वो होता है ट्रांसपायरेशन कॉफिशियंट। ठीक है, राइस क्रॉप में 5000 लीटर जो वाटर है वो चाहिए हमें 1 kg ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन रेशियो क्या है? 1 kg ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना जो वाटर है वो ट्रांसपायर हो गया, वो ट्रांसपायरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन रेशियो होगी, ट्रांसपायरेशन कॉफिशियंट होगा, जब 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमें जो वाटर है वो चाहिए होगा क्रॉप को, वो होगा ट्रांसपायरेशन कॉफिशियंट। ठीक है,